सारे प्रॉब्लम जो खत्म किया है ये प्रोडक्ट। ये पसीना हो चुकी ना टपक रहा है। फोर्टी 43 और अभी मैं सूट कर रही हूँ। और ये रहा टॉम बाबू, तुम सूट नहीं करने दोगे मामा को? मामा को छुट्टी छुट्टी नहीं करने दोगे? नहीं 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 करने दोगे, नहीं करने दोगे। और चिपा चा चुको चुको चिंटी चिंटी जा। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। जो लड़कियों को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है उनके लिए तो रामबाण वाला काम करने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, जो मेरे साथ हो चुका है। एंड मेरा बिफोर और आफ्टर का जो पिक्स है वो तो आप लोग देख के ही पता कर लोगे कि मैंने कहाँ से शुरुआत किया था, कहाँ पे आके मेरा ख़त्म हुआ है। तो मेरे स्किन का जितना भी इशू है वो मैं सारे चीज़ कब समझी, कैसे क्या किया, वो सारी चीज़ आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो पूरा वीडियो देखना बिना स्किप किए हुए, क्योंकि मैं बहुत सारा चीज बोलने वाली हूँ। आप लोग अगर स्किप कर दोगे तो बाद में आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि मैंने कौन सा कब क्या बोला है, और जो सारे मैं प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ तो वो भी आप लोगों को पता नहीं चलेगा। तो चलो वीडियो अब शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा स्किन का जो जर्नी है वो शुरू हुआ, मतलब प्रॉब्लम शुरू हुआ क्लास 7 से, जब मैं पढ़ती थी। तब तो पता नहीं होता था, स्किन में पिंपल हो रहा था, मैं हाथ से उसको पिचका देती थी, कुछ भी खा लेती थी। छोटी बच्ची थी, उतना थोड़ी ना ये था, और घर में भी ऐसा कोई मतलब गाइड करने वाला नहीं था कि ये कर मत करो वो कर मत। तो ये सब चलता रहा क्लास 12 तक। यस, क्लास 12 तक ऐसा चलता रहा, पिंपल्स होता गया, डॉक्टर दिखाती थी नॉर्मली, डॉक्टर मेडिसिन लिख के देते, लगाती थी, ठीक होता था, फिर से होता था, ये सब चलता गया। फिर जब मैं फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया कोलकाता में, फिर मैं वो यहीं पे आई, तो देन यहाँ पे भी कुछ खास नहीं। फिर जब मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ना शुरू किया, फिर कुछ टाइम बाद 6-7 मंथ बाद मैंने पार्ट टाइम जॉब करना शुरू किया। तो पार्ट टाइम मेरे जब जॉब करने लगी तो मुझे मतलब स्कूल ट्यूशन कोचिंग ये सब के बाद मुझे बाहर कहीं जाना होता था। ओके, देन वहीं पे मेरा एकदम खटका, मतलब आपको प्रेजेंटेबल देखना कितना ज़रूरी है, वो आपका काम में भी कितना इफेक्ट करता, तब मुझे पता चला। तो फिर बट ठीक है, मैं पार्ट टाइम कर रही थी, इतना कुछ यूज अमाउंट तो मुझे मिल नहीं रहा था, पर फिर मैंने ना फिर थोड़ा थोड़ा करके प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर लिया, ये वो। फिर मैं सैलरी जमा करती गई, प्रोडक्ट खरीदती गई। ऐसा हो गया था एक टाइम बाद कि मैं सबका बैग का कलेक्शन होता था, ज्वेलरी का कलेक्शन, मेरा रहता था प्रोडक्ट की कलेक्शन। ऐसा कोई सीरम नहीं, क्रीम नहीं, जो भी देखा मैंने सारा चीज़ लाके लगाने लगी, कुछ नहीं होता था। फिर आस्ते आस्ते करके मैं अपने आप को समझी कि मुझे प्रॉब्लम क्या है, पर उसके लिए क्या हुआ ना, बहुत लेट हो गया, मेरा स्किन का बैंड बच चुका था। फिर ये जो 6 मंथ जो मेरा लाइफ में जो आया ना, वो मेरा मतलब टर्न कर लिया मेरा पूरा, क्योंकि अभी मैंने एकदम राइट अपने आप को समझा कि मुझे एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। बोलते ना नस पकड़ लो, तो मैंने अपना सही प्रॉब्लम को पकड़ा कि मुझे प्रॉब्लम क्या है भाई। फिर मैं अपने स्किन डॉक्टर के पास गई, स्किन डॉक्टर ने मुझे, बहुत अच्छा स्किन डॉक्टर है, तो स्किन डॉक्टर ने मुझे सीधा गायनेक के पास सजेस्ट किया। तो मैं तो सॉफ्ट रह गई कि मैं गायनेक के पास क्यों जाऊँ, तो उन्होंने बोला गायनेक के पास जाने के लिए। फिर गायनेक ने मेरा सारा प्रॉब्लम सुना, देन मेरा 10,000 का बिल बना, क्योंकि मुझे ढेर सारा टेस्ट करने दिया, फिर मुझे सोनोग्राफी भी करवाया, सब कुछ। फिर मुझे पता चला भाई मुझे PCOD है, यस, मुझे ये प्रॉब्लम है, और मैं बतेरा क्रीम लगा के अपना पैसा को ऐसे ही दे रही थी, कहाँ दे रही थी, मिट्टी में फेंक रही थी ऐसा लग रहा है। तो फिर अभी क्या हुआ, फिर मुझे पता चला, फिर मैं स्किन डॉक्टर के पास आई, उन्होंने मेरा खून चूसा बहुत सारा, उन्होंने भी बहुत सारा तरीके की टेस्ट करे, टेस्ट कर किया,
वो भी लंबा चौड़ा बिल बनाया, चलो ठीक है वो भी कर लिया। फिर ये सारे टेस्ट के बाद जो मुझे मेडिसिन दिया गया, मेरा जो प्रॉब्लम के साथ मैंने डिस्कस किया वो है एक्चुअल में मतलब राइट अमाउंट में सब कुछ देना। फिर वहाँ से शुरू हुआ मेरा स्किन जर्नी। फिर मैंने बहुत सारा प्रोडक्ट ट्राई जो कर रही थी, मैंने सारे प्रोडक्ट को एकदम ऑफ कर दिया, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला था कि बाहर का कोई भी प्रोडक्ट तुम नहीं लगा सकते हो, बाद में भले लगा लेना पर अभी नहीं, अभी जो जो मैं मेडिसिन दे रही हूँ वो सारी चीज़ें लगाना है। तो मुझे जो सारे चीज़ मेडिसिन दिया है वो मैं आप लोग को दिखाने से पहले एक चीज़ बोलूँगी, मैं आप लोगों को ये सारे मेडिसिन रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि ये डॉक्टर ने मुझे देखा, मेरा प्रॉब्लम सुना, मेरा स्किन देख के फिर मुझे उन्होंने ये प्रिस्क्रिप्शन किया, सजेस्ट किया, राइट। तो उस हिसाब से मैं लगा रही थी। आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, नहीं है वो मुझे पता तो नहीं है। आप लोगों को डॉक्टर पहले दिखाना, उसके बाद ही आप लोग लगाना। और एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ बोलूँगी जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, आज मैं जो वीडियो में शेयर कर रही हूँ, बातें कर रही हूँ, जो भी प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, किसी का देखा हुआ नहीं है, किसी और का चीज़ नहीं है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने अपना स्किन जर्नी में मेरा अपना जो जो मेरा हुआ है, मैंने जो जो प्रॉब्लम फेस किया है वो सारे एक्सपीरियंस में शेयर करूँगी, ताकि मेरे मतलब मेरे जैसा जितने भी मेरा भाई बहन जो भी मेरा वीडियो देख रहे हो, आप लोगों को भी अगर एक्ने प्रॉब्लम खड्डा खड्डा हो गया है, बहुत सारा पिगमेंटेशन है, बहुत सारा मतलब मार्क्स जो रह जाता नहीं है खड्डा खड्डा हो जाने के बाद, फिर पिंपल में पूज हो जाता है, पिंपल हम लोग तोड़, मतलब बहुत सारा जो चीज़ है, आप लोगों को क्या होगा, एक आइडिया मिल जाएगा, एक गाइडलाइंस मिल जाएगा, उसके बाद आप लोग अपना ट्रीटमेंट करोगे तो देखना बेटर रिजल्ट मिलेगा, आई स्वेयर ही होगा। किसी को देख के प्रोडक्ट खरीद के लगाने से जो रिजल्ट नहीं मिलेगा, डॉक्टर के पास जाके सही चीज सही टाइम पे करो, सही मतलब मेडिसिन प्रोडक्ट व्हाटएवर जो भी आपको दे रहा है वो लगाओ, देखो आपको मैजिक के जैसे आपको काम करेगा, बट वो सिर्फ इंटरनल एक्सटर्नल दोनों के साथ होगा। आप अगर कोई चीज लगा रहे हो, एक्सटर्नल लगा रहे हो, इंटरनल तो मेरा प्रॉब्लम है तो कहाँ से काम करेगा, है कि नहीं, तो पहले अपने डॉक्टर के दिखाओ। तो चलो मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ किया है। तो पहला जो प्रोडक्ट है ये है, ये तो किसको नहीं पता भाई, ये तो बच्चे बूढ़े कोई भी लगा ले सबको चल जाएगा, ये मेरा फेवरेट है। तो मैंने सेटाफिल क्लिनजर मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, फिर मुझे ये मॉइस्चराइजर डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, ये कस्मो क्यू वो सी मॉइस्चराइजर जेल है, ये ऑयल बेस है, सॉरी ऑयली स्किन के लिए है, ये वाटर बेस है, तो मुझे ये मॉइस्चराइजर डॉक्टर ने दिया था। फिर मुझे ये मॉइस्चराइजर दिया था, फिर मुझे मतलब मेरा स्किन ना, मैं बीच में ना बहुत ज़्यादा स्किप कर रही थी मॉइस्चराइजर सुबह के टाइम पे, तो फिर मेरा स्किन बहुत ड्राई हुआ था। ड्राई क्यों हो रहा था, क्योंकि मैं जो हीरो प्रोडक्ट जो लगा रही थी, जिसके वजह से मेरा ये शकल से ये शकल तक आई हूँ मैं, और सारे प्रॉब्लम जो ख़त्म किया है वो है ये प्रोडक्ट। ये मैं उल्टा दिखा रही हूँ क्या, पता नहीं, ये प्रोडक्ट ये है रेटिनॉयल। यस, जो मार्केट में जो आपने बहुत सारा देखा होगा, मैंने भी बहुत सारा वीडियो में देखा है, रेटिनॉयल जो रहता है वो कभी 150-200 का ही मे भी आता होगा, जो फार्मेसी में मिलता है मेडिकल स्टोर में, पर मेरे डॉक्टर ने जो मुझे रेटिनॉयल दिया है वो ये दिया था, और ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, ये 5000 समथिंग का है। अब मुझे एग्जैक्ट प्राइस तो याद नहीं है, बट यस 5000। और ये कोई मतलब इंडियन प्रोडक्ट नहीं है, इंडिया का नहीं है, तो इसीलिए मे बी ये ज़्यादा दाम है, मे बी इसीलिए इसका ज़्यादा, क्योंकि ये इंडिया का प्रोडक्ट नहीं है, बाहर का है, तो इसीलिए शायद इसका बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और ये ना पूरा एक्सपेंसिव है, आई एग्री, बट इसने मैजिक के जैसा मेरे पे काम किया है, मेरा स्किन को कहाँ से कहाँ लाके छोड़ा है, मेरा स्किन में इतना ज़्यादा ही है। और अभी भी देखो मैंने 3 मंथ ऑलरेडी मैंने यूज़ कर लिया है, मैंने एक ही ट्यूब है ये, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, फिर भी
जितना भी देखो अभी तक इतना तक प्रोडक्ट अभी भी है, इतना प्रोडक्ट अभी भी मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो ये इतना प्रोडक्ट अभी भी मेरा 2 मंथ चला जाएगा, क्योंकि इसको लगाना है पी साइज भी नहीं, इतना सा साइज मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये प्रोडक्ट तो मतलब रामबन जैसा काम किया है। तो ये रेटिनॉयल के डार्क स्पॉट इरेजर, सॉरी डार्क स्पॉट इरेजर प्लस। तो ये प्रोडक्ट ये मेडिसिन मुझे डॉक्टर ने जब प्रिस्क्रिप्शन किया एंड देन डॉक्टर ने फिर होम डिलीवरी वहाँ से ही मेरा मेडिसिन मेरा आया था, क्योंकि उस टाइम मैं जब डॉक्टर के पास गई थी मेडिसिन कर रहे थे, फिर जब बाहर काउंटर में जो मेडिकल उनका खुद का ही शॉप है, तो वहाँ पे जब दाम बोला तो एक्चुअली बहुत सारा और भी मेडिसिन था, तो मेरा मतलब 10,000 का ऊपर मेरा बिल बन गया था, मेरे पास उतना पैसा नहीं था, तो मैंने इसको छोड़ दिया था, बाकी सारा सामान मैंने ले लिया था। ठीक है, तो डॉक्टर के मैंने बोला था कि अभी नहीं है, मैं एक हफ्ते में फिर फ़ोन करूँगी, तो मैम बोला था ठीक है कैश ऑन डिलीवरी हो जाएगा, घर में डिलीवर हो जाएगा, क्योंकि मैम कोलकाता से ही है, ओके तो कोई मसला नहीं होगा। मैंने बोला ओके फाइन। तो फिर मैंने इसको बाद में मैंने इसको मैम को बोल के मैंने इसको और मतलब मंगवाया था। तो जो भी हो, तो ये मेडिसिन मैं लगाती थी सिर्फ नाइट में, ये आप डे में नहीं लगा सकते, ये सिर्फ नाइट में लगाना होता है, और ये लगाना होता है, मैं दिखाती हूँ। इतना ये पी साइज आपको जो रेटिनॉयल जो आप ऐसे वीडियो में भी देखोगे और आपको बोलते भी होंगे कि पी साइज मतलब अच्छा खासा थोड़ा सा अमाउंट, ये पी साइज नहीं है, ये क्या साइज है मुझे भी पता नहीं है, ये शायद मसूर का जो दाना है वो साइज है, एकदम सही एग्जांपल मैंने दिया है, तो वो उतना साइज का। ये ही बहुत ही पावर, ये मेडिसिन ये रेटिनॉयल बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है, क्योंकि एसिड है, तो ऑफ कोर्स इसको आप बहुत ही संभाल के लगाना होता है, ज़्यादा लगाओगे तो आपका स्किन जल सकता है, आपको साइड इफेक्ट भी हो सकता है, आपका स्किन पूरा रेड रेड हो जाएगा और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, और धूप में निकलने से स्किन का तो बैंड ही बच जाएगा, वो बहुत जलता भी है, बहुत इचिंग भी करता है। तो यस, तो उतना नहीं लगाना है, जैसा जो डॉक्टर जो बोलता है वही उस हिसाब से ही लगाना होता है। तो ये थोड़ा सा मैंने ले लिया है, और उसके साथ ये मॉइस्चराइजर, तो ये मॉइस्चराइजर को आप अपने जैसे लगाओगे, तो अभी मैं दिखाने के लिए इतना ही लिया है, तो दोनों को अच्छे से ब्लेंड करना है, ब्लेंड 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 पूरा एकदम जेल बेस बन गया। फिर इसको तो पूरा एकदम जेल बन जाएगा, उसके बाद एकदम एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसके बाद ये लगाना है, और ये ऑयली स्किन के लिए तो बहुत ही अच्छा है। सी तो ये उसके बाद इसको अच्छे से लगा देना है, फिर नाइट में बस इतना ही रूटीन करना है, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है, फिर आपको सो जाना है, पर सोने से एटलीस्ट 1 घंटा पहले लगाओ, ताकि स्किन में आपको अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, आपको पीलो ना खा ले पूरा प्रोडक्ट। तो यही है आपका नाइट का स्किन रूटीन। उसके बाद जो मुझे मैम ने जो दिया था कि ये लोशन दिया था, ये लोशन भी बहुत अच्छे से मेरे स्किन में वर्क किया है, इसने मुझे बहुत मतलब मेरा स्किन में जो इनसेंसिटिव जो मतलब बहुत ज़्यादा रैशेज होती थी, बहुत जलता था धूप में निकलने से, और जो ए माउथ के एरिया में पिगमेंटेशन, गालों में एकदम मोटा मोटा काला काला दाग, एकदम पूरा एकदम ऐसा एकदम लग रहा था कि काला कुछ लेयर पड़ा हुआ है, एकदम फोरहेड में पूरा एकदम काला, एकदम ऐसे करके एकदम पूरा काला एकदम था, मेरा स्किन इतना ख़राब था, इतना गंदा था। मैं तब YouTube नहीं करती थी, मुझे पता भी नहीं था कि मैं कभी YouTube करूँगी, मैं तो अपना फ़ोटो ही नहीं लेती थी, इतना गंदा था मेरा, नहीं तो मैं फ़ोटो लेके आप लोगों को दिखाती थी ना, तो आप लोग शॉक्ड हो जाते, लिटरली फ्रेंड्स आप लोग शॉक्ड हो जाते कि क्या था और क्या हो गई है। यस, तो ऐसा है, तो बहुत ही गंदा था, तो इस क्रीम ने भी बहुत मतलब ये लोशन ने बहुत हेल्प किया, इसने मेरा जो पैचेस था, जो
टैन था, पिगमेंटेशन था, वॉट एवर जो भी था ये, तो ये रोज नहीं लगाना होता, ये हफ्ते में सिर्फ 2 डेज लगाना होता है, तो इसे मैं लगाती थी। ये भी मुझे डॉक्टर ने दिया था, और मुझे और एक मॉइस्चराइजर दिया था, क्योंकि मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइजर मैं स्किप कर रही थी। मैं क्या कर रही थी, मॉर्निंग में मॉइस्चराइजर नहीं लगा रही थी, डायरेक्ट सनस्क्रीन लगाती थी। तो उसे रेटिनॉइड लगाओगे तो आपको ज़रूर आपको सनस्क्रीन लगाना होता है, ऐसा नहीं है कि आप सनस्क्रीन ना लगाओ, क्योंकि सनस्क्रीन नहीं लगाओगे तो आपका आप जो लगा रहे हो आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा और आपका स्किन का और बैंड बच जाएगी। तो अगर आप रेटिनॉइल टेटिनॉइल कुछ भी लगा रहे हो, जैसे लगा रहे हो, तो आपको इसको तो बेस्ट फ्रेंड बनाना है। इसको आपको सुबह आप जितने बजे उठोगे, 7 बजे 8 बजे तब से लेके शाम के जब तक धूप जाती नहीं है 5-6 बजे तक, तब तक इसको लगाना है। हर 2 घंटे में नहीं लगा पाओगे, 3 घंटे में लगा, पर रीअप्लाई करो और इसको लगाओ। इसको लगाना है तो इसको लगाना है, इतना मैं बोलूँगी, क्योंकि इसके ये लगाने के बाद ये नहीं लगाओगे तो इसका कोई काम नहीं है। और ये आपको आपका डिपेंड करता है, जब मुझे शुरू में मतलब मुझे शुरू में जो अभी जो मैंने अमाउंट दिखाया, मुझे शुरू में और थोड़ा सा अमाउंट कम था, मैं वो भी दिखा रही हूँ कितना, इतना दिख रहा है पूरा, जैसे कि मैं समझा नहीं पा रही हूँ कि मुझे पता नहीं है आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं, पर एकदम छोटा वाला जो मसूर आता है ना, वो दाना जैसा शायद आप लोग देख लो, ये इतना 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 मॉइस्चराइजर में ये मुझे दिया था। जब फर्स्ट जो मंथ मेरा चल रहा था, तो वो मुझे एक महीने के लिए ये वाला साइज का दिया था। वो मुझे हफ्ते में 4 दिन लगाना होता था, फिर मेरा जब सेकेंड मंथ शुरू हुआ तब मेरे को 3 दिन कर दिया था ये साइज में, 3 दिन रेटिनॉइल। फिर मेरा जो थर्ड वाला मंथ था वो मेरा हफ्ते में फिर 2 दिन कर दिया मैम ने। फिर ऐसे करते करते मेरा स्किन जब एक महीना हो गया, एक महीने में मुझे बहुत चेंज दिखने मिला, मेरा एक्ने कम हो गया, मेरा डार्क स्पॉट जाने लगा, मेरा पिगमेंटेशन लाइट होने लगा, जाने नहीं लगा, पिगमेंटेशन लाइट होने लगा। अभी भी ये नहीं बोलूँगी कि मेरा अभी भी पिगमेंटेशन गया है, अभी मतलब अभी भी काम जारी है। तो अभी भी मुझे और अपनी स्किन को अच्छा करना है, उस चीज़ के लिए मैं और ज़्यादा वर्क करूँगी ऑफकोर्स। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम 100% गया है, 100% जाने के लिए 3 महीने में 100% जाता नहीं है, उसके लिए आपको सालों साल लगता है, ये रियलिटी है। जो लोग अगर कोई बोलेगा 3 मंथ में मेरा पिगमेंटेशन चला गया है, तो भाई लिख के रख लो, बड़े से बड़े डॉक्टर भी ये नहीं बोलते हैं, पक्का वो झूठ बोल रहा होगा। उस फिर भी आपको अगर वो सब भी नहीं है तो आपको तो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, लेज़र ट्रीटमेंट, कार्बन ट्रीटमेंट, फिर बहुत सारा भी ट्रीटमेंट आया हुआ है, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, वो एक एक सीटिंग का 6,000-7,000 चार्ज करते हैं। तो वो सारे ट्रीटमेंट के साथ अगर आप ये सारे प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो ऑफकोर्स उसमें और बेटर रिजल्ट मिलता है, बट ऑफकोर्स वो अफोर्ड करना सबकी बस की बात नहीं है, तो उसके बारे में बात करना बेकार है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, ये सारी चीज़ रहा है, इससे ही मेरा स्किन अच्छा हुआ है। एंड उसके साथ मैंने समझी कि मुझे प्रॉब्लम क्या है, मेरे सही प्रॉब्लम को पहले पकड़ा, उसके बाद मैं गई तो सही ट्रीटमेंट लिया, तब जाके मेरा स्किन में इतना अच्छा वर्क किया है। अदरवाइज मैं अंदर धुन के जैसे कुछ भी लगाती, मेरा काम नहीं करता, मैं प्रोडक्ट को ब्लेम करती, पर ऐसा नहीं है। पहले अपने आप को देखो, अपने क्या यूज़ कर रहे हो। और मुझे जो एक मेडिसिन जो इंटेक के लिए दिया था, वो ये मेडिसिन दिया था, ये मुझे पूरा दिन में एक पीस ही खाना था आफ्टर ब्रेकफास्ट, तो ये मेडिसिन मुझे दिया था डॉक्टर ने। ये एक्सटर्नल तो प्रोडक्ट हो गया, इंटरनल मुझे ये मेडिसिन दिया था खाने के लिए। मेडिसिन ने भी मेरा एक्ने के लिए इतना ज़्यादा हेल्प किया। तो ये सारे मेडिसिन है, कोई प्रोडक्ट नहीं है जो मैं लिंक दे दूँ या फिर आप लोगों को बोलूँ कि आप लोग भी ये सारी चीज़ ले लो ना, क्योंकि हर एक स्किन डिफरेंट होता है। आप लोग पहले अपने डॉक्टर के साथ बात कीजिए, उसके बाद ही आपके डॉक्टर ही अच्छे से सजेस्ट कर सकेंगे। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि एक स्किन केयर के लिए, एक स्किन प्रॉब्लम के लिए क्या क्या करना ज़रूरी होता है। यस, तो यही बात है। और मैंने तो सब कुछ आई थिंक दिखा दिया। ये एक फेस वॉश है,
ये एक मॉइस्चराइजर है, ये मैं नाइट में भी लगाती हूँ, ये डे में लगाती हूँ, अल्टरनेट करके भी लगाती हूँ। ये दो मॉइस्चराइजर दिया था, एक लोशन है, एक सनस्क्रीम है। सनस्क्रीम मैंने दिखाया था, मुझे याद नहीं है, ये एक्ने यूवी जेल है, एसपीएफ PA++ UVA UVB ऑयल फ्री है, तो ये वाटर बेस्ड सनस्क्रीम है, तो ये सनस्क्रीम दिया था। ये रेटिनॉइल है, पर इंडिया का रेटिनॉइल नहीं है, ये बाहर से आया था, तो इसलिए इसका दाम बहुत ज़्यादा है, एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये इंडिया में नहीं मिलता है। तो ये है, और ये मेडिसिन मुझे खाने के लिए दिया था, तो ये सारा चीज़ यूज़ करने के बाद, ढेर सारा बहुत सारा पानी पीने के बाद, बहुत सारा वेजिटेबल खाने के बाद, अच्छा डाइट लेने के बाद, अच्छे स्लीपिंग पैटर्न को मैंने ठीक किया, सारे चीज़ करने के बाद मेरा स्किन अभी ऐसा हो गया है। यस गाइस, तो यही मेरा स्टोरी था कि मेरे अपनी स्किन में कैसे वर्क किया है। और आप लोगों को मैं एक चीज़ और बोलूँगी, आप लोग एक्सटर्नल इंटरनल दोनों का अपना टेक केयर कीजिए। मैंने पता है मेरे 3 मंथ में मैंने खुद के लिए मैंने एक डाइट चार्ट बनाया था कि मैं ये सारी चीज़ खाऊंगी अब से, तो मैंने ट्रीटमेंट भी किया, मैंने अपना डाइट भी ठीक रखा, जिम भी किया, अच्छे से पानी भी पिया, सारी चीज़ करने के बाद मेरे स्किन में और अच्छे से रिजल्ट मुझे मिला है, एंड इसको भी मैं कैरी ऑन करने वाली हूँ। और आप लोगों को अगर जानना है कि मैंने क्या क्या डाइट लिया था, क्योंकि मेरा स्किन थोड़ा सा क्या अच्छा खासा डार्कर था, तो थोड़ा सा डार्क से कैसे मैंने अपने स्किन टोन को थोड़ा सा लाइट किया है, तो वो नेचुरल प्रोसेस है। ऑफकोर्स वो एक दो दिन में नहीं होता है, उसके लिए बहुत टाइम लगता है, और ये मैं करती थी बहुत, मतलब पहले भी मैं थोड़ा थोड़ा करती थी, उतना बजट नहीं होता था, तो ऑफकोर्स नॉट, पर 3 मंथ में तो मैंने प्रॉपर एकदम फॉलो किया है, प्रॉपर एकदम A to Z जो मैंने अपने डाइट में लिस्ट बनाया था ना, खाने का सब चीज़ मैंने खाया किया, तो ऑफकोर्स मेरे को रिजल्ट तो अच्छा मिला है। आप लोगों को जानना है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर वीडियो बना दूँगी। यस, आप लोगों का किसी का भी एक, मेरा भाई बहन जो भी आप लोग देख रहे हो, किसी एक का भी अगर हेल्प हो जाए मेरे वीडियो से, उसको पता चले कि उसको क्या करना है, तो इससे अच्छा क्या है। मैं रात में गर्मी में पसीना में परेशान हो रही हूँ और वीडियो बना रही हूँ, तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा, क्योंकि गाइड करने वाले कोई नहीं होता है, बहुत ही कम लोग होते हैं, और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ना वीडियो रिलेटेड है, ना प्रोडक्ट रिलेटेड है, ना किसी और चीज़ के रिलेटेड है। मैंने अपने लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया है वो मैं आप लोगों से शेयर करूँ, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए। दैट्स इट गाइज, तो मेरा बिफोर और आफ्टर दोनों पिक्स आप लोगों ने देखा, और दोनों में क्या चेंज है वो भी आप लोगों ने देखा, तो सारे चीज़ जो है ये है आपका खुद के लाइफस्टाइल के ऊपर, खुद का आपका खुद का स्किन अच्छा रहेगा, आप अच्छा दिखोगे, कॉन्फिडेंस फील होगा। यही चीज़ ही होता है कि आप पहले अपने आप को कॉन्फिडेंस फील करवाने के लिए अपने ऊपर काम कीजिए, उसके बाद सारे चीज़, तो टेंशन भी नहीं लेना है, हैप्पी रहना है, और अपने डॉक्टर के साथ भी कंसल्ट करना है, ताकि आपको राइट प्रोडक्ट दे, प्रोडक्ट नहीं मेडिसिन ऑफ कोर्स। और ये सारे चीज़ का लिंक तो मैं नहीं दे सकती, पर हाँ ये चीज़ बोलूँगी, ये जो रेटिनॉइल है, ये रेटिनॉइल ने ही आज मुझे कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया, बिकॉज ये मेडिसिन मतलब सच में मतलब अलग ही है, ये अलग ही मेडिसिन है, मतलब ये अभी मतलब जब इसका जब दाम मैंने सुना था ना 5000 रेटिनॉइल का, तो 200 में मिल जाता है, तब मुझे डॉक्टर ने बोला ये बाहर से हम लोग मतलब मंगवाते हैं, इंडिया का प्रोडक्ट नहीं है, और इसको तो रेटिनॉइल जो है पी साइज का लगाना होता है, उसमें बहुत सारा मसला भी होता है, इसको लगा के देखो फिर तुम हमको बोलना, नहीं तो पैसा रिटर्न। तो सच में इसने तो मेरी लाइफ ही गेम पूरा चेंज कर दिया, लाइफ चेंज कर दिया, ये रामबाण मेडिसिन है, और ये मतलब आई लव इट। तो बस यही प्रोडक्ट मतलब मेरा सब कुछ, मेरा ये कहते ये एक प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट भी, ये लोशन, ये दो, अरे मॉइस्चराइजर वगैरह का ये नहीं बोलूँगी कि मॉइस्चराइजर लगाने से मेरा पिगमेंटेशन चला गया, ऑल दैट नहीं। और जब एक्ने का जो था वो, ये दोनों भी काम किया है, और ये जो मेडिसिन है ये मैंने खाया था तो ये भी काम किया है। ये तो एक्सटर्नल इंटरनल दोनों का ही मामला है, तो दोनों ने ही अच्छे से वर्क किया है, दोनों को मैंने अच्छे से फॉलो किया, तो यस। और फिर से घूम फिर के
तोम बाबू आ गया। तोम बाबू बोल रहे कि मम्मा चलो अब सोते हैं, बहुत रात हो गया है। तो यस गाइज, आज का वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म कर रहे हैं। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। कमेंट में बताओ आप लोगों को क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, मैं कोशिश करूँगी सबका रिप्लाई देने के लिए। और आप लोगों को अगर डाइट जानना है, स्किन मतलब मेरा स्किन केयर मैंने जब किया था तब मैंने क्या क्या डाइट लिया था वो भी आप लोगों को जानना है तो वो भी कमेंट में बताओ, मैं उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। इसमें बनाती ना इतना लंबा होता, कोई नहीं देख पाता, आप लोग भी बोर हो जाते। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे से रहिए, अल्लाह हाफिज़ एंड सबको बहुत सारा प्यार, बाय।